हरियाणा विधानसभा के चुनाव में एक सीट ऐसी भी है जिसका चुनाव परिणाम एक पार्टी की सियासत को खत्म कर सकता है, तो वहीं पर एक खानदान की पॉलिटिक्स का भी तालाबंद कर सकता है। हम बात कर रहे हैं उचाना की। विधानसभा चुनाव में हरियाणा के जिन 5 सीटों में सबसे ज्यादा लोगों की रुचि होगी उनमें उचाना सीट भी शामिल है। आज की तारीख में उचाना में क्या हालात हैं उनको बताने के लिए आज की ये खरी खरी पेशकश। लोकसभा चुनाव में उचाना के चुनाव परिणाम ने जहां दुष्यंत चौटाला की पार्टी को गर्दिश में डालने का काम किया, जहां दुष्यंत चौटाला की साख पर बट्टा लगाने का काम किया, वहीं पर वीरेंद्र सिंह को भी बता दिया कि कांग्रेस के साथ ही उनका भविष्य है, क्योंकि जेपी के विरोध का उनका स्टैंड कायम नहीं रहा और वहां पर 37,000 की लीड जेपी ले गए। अब सवाल ये उठता है कि विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह का क्या अंजाम होगा और दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला खुद चुनाव लड़कर कितने वोट हासिल करेंगे। इनके बीच में बीजेपी के संभावित प्रत्याशी देवेंद्र अत्री की मशक्कत और मेहनत के ऊपर भी सबकी नजर है। आइए आपको बता दें कि आज की तारीख में उचाना में क्या चल रहा है। उचाना में इस समय जनता सभी दावेदारों को गांव गांव गली गली घर घर घुमाने का काम कर रही है। जो ब्रजेंद्र सिंह 5 साल तक सांसद रहते हुए उचाना हल्के के गांव गांव गली गली नहीं घूमे, वो अब घर घर घूमने को मजबूर हैं। कहने को हरियाणा में इस समय कांग्रेस की हवा चल रही है, कांग्रेस को भारी माना जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर ब्रजेंद्र सिंह गांव गांव घर घर और गली गली घूम रहे हैं तो इसका साफ संकेत है कि उन्हें भी खतरे का आभास है। जाहिर सी बात है, बेशक से लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस को बम्पर बढ़त मिली थी, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उचाना की जनता का मन भी वीरेंद्र सिंह की फैमिली से भर चुका है। इसलिए वीरेंद्र सिंह को जीत हासिल करने के लिए अपने बेटे को आगे करना पड़ा है, लेकिन ये भी असरज की बात है कि वीरेंद्र सिंह खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं बल्कि ब्रजेंद्र सिंह को ही गांव गांव गली गली घूमने के लिए कह दिया है। यानी टेंशन के बीच में ब्रजेंद्र सिंह अपनी जीत पक्की करने के लिए ही घर घर घूम रहे हैं। जहां तक दुष्यंत चौटाला की बात है, दुष्यंत चौटाला को भी इस बात का बखूबी एहसास है कि विधानसभा के चुनाव उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव में जीत की छोड़िए अगर उनकी जमानत भी नहीं बची तो उनकी पार्टी और उनकी खुद की सियासत दोनों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला अब घर घर घूमकर अपने प्रति अपने वर्करों की नाराजगी को कम करने की मुहिम पर निकले हुए हैं। कल और आज 11 गांव के दौरे करके दुष्यंत चौटाला ने अपने समर्थकों को मनाने का पूरा प्रयास किया है। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के मुकाबले में दुष्यंत चौटाला के प्रति नाराजगी उनके समर्थकों में जरूर कम हुई है, लेकिन अभी भी उनके साथ गलियों में वो भीड़ का नजारा नजर नहीं आ रहा है जो उन्हें सिर आंखों पर बैठाने का काम करता था, जो उचाना में दुष्यंत दुष्यंत का नारा गुंजाया करता था। इनके बीच में बीजेपी के संभावित प्रत्याशी देवेंद्र अत्री को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। देवेंद्र अत्री के तिरंगा यात्रा को जितना बड़ा जनसमर्थन मिला उतना रिस्पॉन्स ना तो ब्रजेंद्र सिंह को अभी तक मिला है और ना ही दुष्यंत चौटाला को हासिल हुआ है। देवेंद्र अत्री अपनी पत्नी के साथ उचाना हल्के के एक एक गांव में जाकर अपने जनाधार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जिस तरह से उनके साथ में लोगों की बड़ी संख्या चल रही है, जिस हिसाब से उनके सारे कार्यक्रमों में बड़ी भीड़ का जमाड़ा होता है, उसे साफ जाहिर हो जाता है कि उचाना में ट्रायंगल फाइट होगी और ट्रायंगल फाइट के अंदर देवेंद्र अत्री ब्रजेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला को बराबर की कांटे की टक्कर देने का काम करेंगे। देवेंद्र अत्री को जहां अपने पिता चतुर्भुज अत्री का आशीर्वाद और उनके रसूख का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, तो वहीं पर बीजेपी के लगभग 40,000 का पक्का वोट बैंक भी उनको पूरी मदद कर रहा है। यानी इस बार बीजेपी उचाना में बिना वीरेंद्र सिंह के फैमिली के भी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और देवेंद्र अत्री को टिकट देने पर बीजेपी यहां पर जीत के मुकाबले में भी रहेगी। यानी कांग्रेस के साथ मुकाबले में फिलहाल बीजेपी नजर आती है और बीजेपी में भी देवेंद्र अत्री सबसे मजबूत नजर आते हैं। अभी दुष्यंत चौटाला को
अपने चुनावी ग्राफ को उठाने के लिए और 20,000 से ज्यादा का आंकड़ा हासिल करने के लिए और भी 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने एक एक वर्कर और सपोर्टर को बनाना पड़ेगा, तभी उनकी बात बन पाएगी, तभी उनकी इज्जत बच पाएगी, तभी उनकी जमानत बच पाएगी। यानी उचाणा के चुनावी दंगल में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीरेंद्र सिंह की पूरी फैमिली को मेहनत करनी पड़ेगी, बृजेंद्र सिंह को घर घर कई बार घूमना पड़ेगा, दुष्यंत चौटाला को भी एक एक वर्कर के साथ में अपनी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी और अपनी नाराजगी को खत्म करना पड़ेगा। इनके बीच में देवेंद्र अत्री को भी जीत हासिल करने के लिए गैर जाट वोटरों के साथ साथ लगभग 8 से 10 हजार जाट वोट भी हासिल करने होंगे, तभी वो मंजिल को हासिल कर पाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस बार दुष्यंत चौटाला मुकाबले में नहीं है, बल्कि बीरेंद्र सिंह और देवेंद्र अत्री के बीच में साफ तौर पर मुकाबला नजर आ रहा है। इनके बीच में अब इन्हें लोग किसको मैदान में उतारती है उसके ऊपर भी नजर रहेगी। जाहिर सी बात है अगर अभय चौटाला ने उचाणा में 25 सितंबर की रैली रखी है तो वो उचाणा में बड़ा धमाका कर सकते हैं, लेकिन उसकी बात उसका प्रभाव हम उनकी रैली के बाद ही करेंगे। लेकिन आज की तारीख में उचाणा बता रहा है कि तीनों दावेदार टेंशन में हैं, तीनों दावेदार गांव-गांव घूम रहे हैं और रिस्पॉन्स के मामले में देवेंद्र अत्री नंबर एक पर हैं, बृजेंद्र सिंह नंबर दो पर हैं और दुष्यंत चौटाला नंबर तीन पर हैं। उचाणा में होने वाले घमासान के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। उचाणा में दुष्यंत चौटाला के सियासी रसूख के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। उचाणा में एक एक वोट के लिए होने वाली खिंचातानी की महाभारत के अंदर की कहानी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।